बोला, एक भी आवाज आए तो भैया मैं तो आपको नमस्कार करता हूं। क्योंकि देखिए ये हमारे विजय जी ने इतनी बड़ी इस जहांगीर उसमें गैलरी में इतनी सुंदर कला, इनको भी बोलो चुप हो जाओ, सामने बैठे पीछे आप, तृप्ति आपके पीछे, यस हाँ, मैं नाम जानता तो तुमका नाम से चुप कराता। इतना सुंदर आयोजन चल रहा है, इतनी सुंदर, किसी ने अपनी आत्मा उड़ेर करके, अपना हृदय डाल करके इतनी सुंदर कला बना रखी है, और यदि हम हल्ला करने की कला दिखाएंगे तो यह माना जाएगा कि ये आज का उत्सव विजय जी ने अपने चार कलाकारों के लिए नहीं बल्कि हल्ला करने वाले कलाकारों के लिए बुला रखा। तो इससे पहले मेरा निवेदन आपसे कि दो मिनट शांत हो जाइए। मैंने कहा ना मैं मास्टर हूं, टीचर रहा हूं, नहीं तो ऐसा नहीं बोलता। आदरणीय हमारे आज के इस फोर स्टोरीज, एक भी आवाज आए मैं नहीं बोलूंगा, इतनी सुंदर कलाकृतियों का आज यहां प्रदर्शन जिन्होंने करवाया है, ऐसे इस स्वयं भी जो कलाकार है, चित्रकार है, सृजनकर्ता है, पत्रकार है, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनेता है, ऐसे जो बहुगुण संपन्न हैं और जिन्होंने इस सुंदर कला का आज आयोजन किया है, ऐसे हमारे आदरणीय विजय डड्डा जी, मंच पर पूज्य स्वामी नित्यानंद जी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान राहुल जी, मेरे परम मित्र आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी, यहाँ उपस्थित सभी कलाकार बंधु बहन और भाइयों और बहनों, आप सब लोग इतनी सुंदर कला देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मुझे यहाँ देख करके लगा जब विजय जी ने कहा, डाडा साहब ने, कि राज्यपाल जी आपको इसके उद्घाटन में आना है। अब मैं इस गैलरी में बहुत बार आ चुका हूँ, मैं कोई कला वाला जानता नहीं, एक मास्टर रहा हूँ, डंडा लगाना जानता हूँ। आजकल तो डंडा भी नहीं लगाते, उस जमाने में लगाते थे। और ये जो कला है, सुजाता जी जैसे कलाकार हैं और बहुत सारे कलाकार हैं, और छोटे हमारे आर्किटेक्ट शांतनु यहाँ पर अभी बोल रहे थे, ये जो कला है आखिर हम क्यों इसका आयोजन करते हैं? कितने मनोयोग से कोई कलाकार अपनी कला बनाता है। और मैं आप लोगों से कहूँ ना, एक बार एक कलाकार ने बहुत बढ़िया चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद उसने कहा कि देखो भाई इस चित्र में गलती निकालो, तो शाम को उसमें सबने कहा कि जो जहां गलती हो एक सेट कर दो, तो आप जैसे बहुत सारे जो बोलने वाले यहां कलाकार बैठे हैं ना आप लोग, तो ऐसे बहुत से लोग थे, उन्होंने उसमें कला तो सीखी नहीं, हर उसमें हर एक ने एक एक दोष निकाल के सारे छेद ही छेद कर दिए, वो कला की विकला बन गई। तो ये कला को समझना ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहां साहित्य में, संस्कृत में कहा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। जिसको साहित्य नहीं आता, जिसको कला नहीं आता, जिसको संगीत नहीं आती, वो बिना पूछ का पशु है, जानवर है। तो
ये जो कलाकार लोग हैं, और मुझे कल्पना भी नहीं थी विजय राणा जी मेरे साथ संसद में रहे हैं, इतने बड़े प्रेस के मालिक हैं, पत्रकार हैं, बड़े धनवान हैं, और ये जितने हमारे यहाँ पर कलाकार हैं, सुजाता जी हैं, तृप्ति जी हैं, और कौन कौन है, जयश्री जी हैं, रचना जी हैं, अब इन सब लोगों ने ये जो कला बनती है ना, ऐसे नहीं बन जाती है, इसके लिए कितना दिल लगाना पड़ता है, कितना दिमाग चलाना पड़ता है, दिन देने पड़ते हैं। इन्होंने अपने हृदय को उड़ेल के इसके सामने रखा है। इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पर मैंने चित्र देखे हैं, और चूंकि विजय जी फ्री में तो देंगे ही नहीं तो मैं फ्री में देते तो सब उठा करके राजभवन में लगा देता। ऐसी चीजें और लोग करते रहे, मैं चाहता हूँ कि कुछ करें और लोगों को दें, तो ये पेंटिंग के जितने भी पैसे आएंगे वो आपने सुन लिया, बहुत सारे पुलिस फंड एक है, बाकी के और सारे फंड्स हैं इन्होंने जो बताया। आई थिंक एवरीवन शुड कम लुक एट इट, बाय इट, देयर आर सम ब्यूटीफुल कृष्णा भगवान बाबा का बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर है, आके देखो तो मालूम पड़ेगा। मैं आराम से आऊँगा, अभी इतना लोग है, खरीद ले लो, उन लोगों को पेंटिंग को देखने दो और खरीद ले लो। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, सर बोल रहे थे कि लक्ष्मी जी और सरस्वती दोनों आपके घर पे निवास करती हैं। जी देखिए, जहाँ पर सरस्वती जी होती है उनका वास होता है, वहाँ लक्ष्मी जी खुद आती है। मन शुद्ध होना चाहिए, और उस शुद्ध की पवित्रता जो है समाज में जो बिखरे हुए लोग हैं उनको एक जगह लाने की होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर ये जो कहाँ डोनेट होंगे? बेसिकली मैंने जैसे कि मेरे भाषण में कहा था कि जवान और पुलिस के जवान, आर्मी के लोग और हमारे पुलिस के लोग, ये मेरे लिए स्पेशल है, बचपन से रहे हैं। और आज हमारे नक्सलवादियों से लड़ते हुए जो मारे गए हमारे कर्मी, जो शहीद हुए, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट के जो ट्रबल के ऑफिसर्स हैं उनको उसमें रखा जाएगा, और वो सब मिलके उनके से पैसा देके छोड़ेंगे नहीं, तो उसमें के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे कैसा बढ़ाया जाए उसका भी उसके अंदर पूर्ण विश्वास होगा। बहुत अच्छा सर, एक बार ये भी जानना चाहेंगे कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट बता दें। प्रोजेक्ट तो मैं ज़रूर बताऊँगा, एक है उड़ चिड़िया है, एक फोन भूत है, ऐसी पिक्चरें हैं, मगर आज का जो प्रोजेक्ट है उनके पीछे बहुत दिल भी है, हमारे पिक्चरों में भी दिल है, मगर ये जो सामने बाबा लोग ने किया है तो आज उसी को देखो उसी की बात करो। गणपति बप्पा मोरया, सुख शांति रहा, प्यार मोहब्बत से जियो, जाना सबको है भिड़ू, तो बहुत ज़्यादा भांगड़ न को झगड़ा मत करो, प्यार से जियो और अपने परिवार का सेवा करो, पुराने लोगों का सेवा करो, लोगों की सेवा करो, और मजे लो भिड़ू और सांस ले लंबा लंबा, मेरुदंड सीधा।